Good morning, everyone. Continuing with our chapter number 10, the last topic chapter ka hai, that is preparation of balance sheets at the beginning and at the end from receipts and payment accounts and income and expenditure account. Aapne receipts and payment account se aur income and expenditure account se balance sheet banani hai at the beginning and at the end. तो क्या प्रोसीजर हम इसके लिए फॉलो करते हैं, हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं जो भी हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैश इन हैंड का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में, वहां से ताकि हम जो कैपिटल फंड का बैलेंस है बिगनिंग में उसे निकाल सकें। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं डेबिट की जो आइटम्स हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, उसे पेमेंट साइड से जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की है, और फाइंड आउट करते हैं जो भी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के आइटम हैं जो हमें बैलेंस शीट में शो करनी है। सेम तरीके से हम कंपेयर करते हैं क्रेडिट आइटम्स जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में गिवन है और जो हमें रिसिप्ट साइड पर गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ताकि जो भी हमारी इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड की आइटम्स हैं या इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न की आइटम्स हैं उसे हम बैलेंस शीट में शो कर सके। देन हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में शो है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बैलेंस है हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करते हैं। सेम तरीके से जो परचेज और सेल किया है आपने फिक्स एसेट्स का, वो आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो होगा। देन क्लोजिंग बैलेंस आपका कैश एंड बैंक बैलेंसेस का, वो भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होगा। जो मेन चीज है देखने की, दैट इज जब हम कंपेयर कर रहे हैं, हमें कंपेयर करना है इनकम साइड को रिसिप्ट साइड से और जो हमारा एक्सपेंडिचर साइड है उसे पेमेंट साइड से। तो शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 19। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2007 एंड ऑन 31 दिसंबर 2007। एसेट्स आपकी गिवन है ओपनिंग जो बैलेंस शीट के लिए 1 जनवरी 2007 को, क्लब ग्राउंड्स एंड पवेलियन 50,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000, फर्नीचर 7,000, सब्सक्रिप्शन इन एरियाज ऑन दैट डेट 10,000 एंड क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 1,000। तो इसको हम सीधा बैलेंस शीट में लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, कैश इन हैंड, ग्राउंड्स एंड पवेलियन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर्स एंड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, इन सभी आइटम्स को हमने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो ग्राउंड्स एंड पवेलियन 50,000, स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट, ग्राउंड्स एंड पवेलियन 15,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000, देन फर्नीचर 7,000 एंड सब्सक्रिप्शन इन एरिया 1,000, फर्नीचर 7,000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1,000 रुपीज़। देन हमारा गिवन है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 1,000 के, तो ये क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 1,000 का हमने यहाँ पे लिख दिया। देन अब देखिए यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे गिवन है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हमारा कैश गिवन नहीं है लेकिन हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वही कैश का ओपनिंग बैलेंस है, कैश एट एंड होगा जो हमारी बैलेंस शीट होगी उस डेट पर। तो जो हमारा कैश इन हैंड है ओपनिंग बैलेंस शीट का, वो 5,000 निकल गया। देन नेक्स्ट ये हमने क्लियर कर लिया, तो हमारी जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो रेडी है। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमने कैपिटल फंड का जो बैलेंसिंग फिगर हमारा आ गया, जो बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल फंड का, उसे हमने लिख दिया हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देन हम कंपेयर करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। तो यहाँ पे उससे पहले जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड का 1,400 रुपीज़ गिवन है, तो जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें कैश इन हैंड हमने 1,400 रुपीज़ लिख दिया। अब हम कंपेयर करते हैं आइटम्स को। यहाँ पे हमें गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन 2006 की, 2007 की, 2008 की, और यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन गिवन है 19,000। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट्स हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। तो आप इसमें एक चीज़ देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट में, और जो हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस होती है हम उसे लिखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो ओपनिंग है वो तो हमें ऑलरेडी ऊपर गिवन है, हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने लिखनी है 2006 की आउटस्टैंडिंग और 2007 की आउटस्टैंडिंग। तो
सिक्स में हमने दिया, हमें दिया हुआ है 900। अब ये निकली कैसे है, हमें देखिए ये 2006 की जो सब्सक्रिप्शन है वो लिखी हुई है 900, लेकिन हमें यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन इन एरियस दिया हुआ है दैट इज 1000 रुपीज। तो 1000 और 900 कितने का डिफरेंस है आपका, 100 का डिफरेंस है, तो मतलब 2006 की आपकी 100 की जो सब्सक्रिप्शन है वो आपकी आउटस्टैंडिंग है। सेम तरीके से 2007 की अगर हम देखें तो 2007 की यहाँ दिया हुआ है 18,000, और यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन हमने लिखी हुई है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उससे करंट ईयर की टोटल होती है, तो यहाँ 19,000 लिखा हुआ है। इसका मतलब जो 1000 रुपीज की जो सब्सक्रिप्शन है वो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो 2007 की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो भी आपकी 1000 रुपीज। देन सब्सक्रिप्शन के बाद हमारी जो नेक्स्ट आइटम है दैट इज टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेम अमाउंट है, तो कुछ नहीं लिखना है। रेंट रिसीव 2200 है, यहाँ पे रेंट रिसीव 2400 है, इसका मतलब 200 का जो डिफरेंस है वो हमारा इनकम साइड पे हुआ ना, ये इनकम साइड पे हुआ मतलब आपकी एसेट साइड पर आएगा ये चीज़, तो यहाँ पे हमारा एक्रूड रेंट 200 हो गया। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जब हम रिसिप्ट को कंपेयर कर रहे हैं इनकम साइड से, मतलब जो भी हमारा अमाउंट का डिफरेंस होगा वो हमारा शो होगा कहाँ पर, एसेट साइड में बैलेंस शीट के, और जो हम पेमेंट साइड को कंपेयर करते हैं एक्सपेंडिचर साइड से, तो जो भी हमारा अमाउंट का डिफरेंस शो होगा वो हमारा शो होगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड पर बैलेंस शीट के। तो यहाँ पे हमने रेंट रिसीव्ड हो गया, एंट्रेंस फीस 12,000 आपकी दी हुई है, यहाँ पे भी 12,000 है, तो इस आइटम में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका कुछ नहीं करना है हमें। नेक्स्ट जो हमारा गिवन है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000 है, और यहाँ 2800 है, इसका मतलब 2000 जो आपका 200 का डिफरेंस है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको शो करना है। तो जो हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर आपने करंट ईयर का है 200 और ये है 3000, इसका मतलब जो 200 है आपने कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी पे किया हुआ है, और वो ऑलरेडी पेड कहाँ पर है आपके क्रेडिटर्स। जब आपका डिफरेंस कितने का आ रहा है, पहले तो 200 का आ रहा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, आपने करंट ईयर में 2800 की है, लेकिन पेमेंट में आप दिखा रहे हो 3000, इसका मतलब 200 आपने एक्स्ट्रा पे किए हैं। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए हमें आप वो क्रेडिटर्स हमारे क्रिएट हो सकते हैं। क्रेडिटर स्टेशनरी के लिए हम ओपनिंग में दिखा रहे हैं देखिए 1000 रुपीज, और क्लोजिंग में हम दिखा रहे हैं 800, तो जो डिफरेंस है वो 200 का है। अब ये हमारा आया कहाँ से है, प्रिंटिंग एंड देखिए हमें जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है वहाँ पे क्रेडिटर्स दिए हुए हैं हमें स्टेशनरी के 1000, और यहाँ पे हमने जो पेमेंट की है 200 रुपीज एक्स्ट्रा की है, मतलब हमारी जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है उसमें 200 हमने क्रेडिटर्स को अपने पे कर दिए हैं, तो 200 रुपीज से हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए हैं। तो हमने यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी शो किए हैं 800 रुपीज। देन नेक्स्ट जो हमारा आइटम गिवन है दैट इज सैलरीज, यहाँ गिवन है 11,000 की, और यहाँ पे आपकी सैलरीज जो गिवन है 12,000 की, मतलब जो आपका 1000 रुपीज का डिफरेंस है वो क्या है, आपने एक्सपेंडिचर मतलब आउटस्टैंडिंग है आपकी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं 1000 रुपीज। देन सैलरीज के बाद नेक्स्ट आइटम है एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइजिंग हमारा अमाउंट सेम है 2000 का। देन फायर इंश्योरेंस है 1500 का, लेकिन आपने यहाँ किया है 1200 का, तो फायर इंश्योरेंस में आपने 300 रुपीज का पहले से पे किया हुआ है, तो मतलब आपका प्रीपेड इंश्योरेंस हुआ, तो प्रीपेड इंश्योरेंस में हमने 300 शो कर दिया। देन नेक्स्ट जो आइटम है हमारी दैट इज फर्नीचर 2000 का आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पर फर्नीचर 2000 परचेज भी हो सकता है, और यहाँ पर आपने फर्नीचर पे लगाया हुआ है 800, तो हम पहले देखते हैं कि हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का है। हमारे पास फर्नीचर है 7,000 रुपीज का, 7,000 रुपीज में हमने 2000 जो फर्नीचर है आपने पेमेंट की है, तो मतलब वो परचेजेस हुए आपके, उसमें से माइनस कर दिया आपने डेप्रिसिएशन, तो 8,200 रुपीज का फर्नीचर आपका बैलेंस शीट में स्टैंड करेगा। देन फर्नीचर के बाद है आपका इन्वेस्टमेंट्स 18,000 का, और यहाँ पे आपका जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है
ये है आपका इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में, कोई इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं है, इसका मतलब ये नई आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो इसे एसेट इज हम हमारी बैलेंस शीट में शो कर देंगे इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपीज। देन इन्वेस्टमेंट्स के बाद बैलेंस आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का कैश इन हैंड क्लोजिंग है, तो वो हम ऑलरेडी वहाँ पर शो कर चुके हैं। तो ये हमारी सारी आइटम्स हम कंपेयर कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल फंड है, इसमें जो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सेस है, सरप्लस है हमारा, उसे हमने कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। तो ये जो दोनों साइड्स हैं हमारी बैलेंस शीट की, वो मैच कर जाएंगे। तो इसके साथ ये जो आपका चैप्टर है वो कम्प्लीट होता है। थैंक यू सो मच।